हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 3 के टॉपिक जिसका नाम है इमल्शन। आपके सिलेबस में ये इमल्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इसकी इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड, इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पूछे ही जाते हैं। इस लेक्चर वीडियो में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इमल्शन के, जिसमें मैंने उसके डेफिनेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इस ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इमल्शन की डेफिनेशन के बारे में, जो है एन इमल्शन इज इन टू फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज फाइन ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर। दिस इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम विच इज स्टेबलाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। द पार्टिकल साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स इज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 100 micrometers। ठीक, जो इमल्शन होता है इसमें टू फेज सिस्टम है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इमल्शन और सस्पेंशन जो होते हैं वो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। यहाँ जो टू फेज सिस्टम है इसका मतलब है बाईफेजिक सिस्टम। ठीक, एन इमल्शन इज इन बाईफेजिक लिक्विड जिसमें दो फेज होते हैं, ठीक है, जो कि टोटली कंप्लीटली इमिसिबल होते हैं, यानी कि इसमें दो फेजेस होते हैं, ऑयल और एंड वाटर। जैसे कि ऑयल और वाटर एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं, वैसे ही इसके दोनों फेज, दोनों लिक्विड जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। और ये फाइन ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। ये जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, यानी नॉर्मल अगर आप छोड़ देंगे इसको रूम टेम्परेचर में तो ये ज़्यादा देर तक की स्टेबिलिटी नहीं करते हैं। क्या होता है, जैसे इमल्शन है, आपने बहुत टाइम तक अगर इसको छोड़ दिया है, ठीक है, तो फिर ये नीचे में सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप जब शेक करेंगे तो फिर से ये रीडिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। जो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है एक्चुअली वो जाके सेटल होने लग जाता है, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है, जिसको स्टेबलाइज किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू। इसमें हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इमल्शन में क्या होता है, दो फेज होते हैं जो कि दोनों एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं, तो यानी कि ये ऑयल और वाटर एक दूसरे के दोस्त नहीं है, तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें डालते हैं जो कि इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड होता है। ये इससे दोस्ती करता है, ये इससे दोस्ती करता है, और इसके वजह से ये दोनों साथ होते हैं और स्टेबल फॉर्म करते हैं, यानी वो नीचे ना बैठे, क्रीमिंग ना हो, क्रैकिंग ना हो, इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ना हो, जो मैं और आगे आपको बताऊंगी वो क्या होते हैं, उसके लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। जो क्या करते हैं एक्चुअली इमल्सिफाइंग का एजेंट का काम क्या है कि इसके ऊपर जो टेंशन है उसको, जो चार्जेस है उसको क्या कर दे, सरफेस टेंशन को, इंटरफेशियल टेंशन को कम कर दे, ठीक है, चार्ज डिफरेंस को कम कर दे। ये होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का काम। जैसे इसके चार्ज डिफरेंस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में फॉर्म होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है इसके जो ये एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं कि इसका पार्टिकल साइज क्या होता है ग्लोब्यूल्स का, जीपेट वगैरह के भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि इमल्शन के ग्लोब्यूल साइज क्या होते हैं, तो वो होता है 0.1 to 100 micrometer के रेंज में इसका ग्लोब्यूल साइज होता है। ठीक, इन फार्मास्यूटिकल इमल्शन वन फेज इज यूजुअली वाटर। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एक फेज है वाटर, अनदर फेज इज एन ऑयल, फैट और वैक्सी सब्सटेंस। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें इमल्शन में एक फेज जो रहता है वो वाटर रहता है और दूसरा फेज ऑयल हो सकता है, फैट हो सकता है या वैक्सी हो सकता है, मतलब थोड़ा ग्रीसी टाइप का रहेगा जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। आपने देखा होगा, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर वाटर में आप ऑयल डाल दो या ऑयल में अगर आप वाटर डाल दो तो वो दोनों कभी एक साथ मिक्स नहीं हो सकते, तो उसे मिक्स करने के लिए हम क्या डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, और जो इमल्शन का जो ग्लोब्यूल साइज होता है वो 0.1 to 100 micrometer होता है। क्लियर हुआ ग्लोब्यूल साइज क्या हुआ, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है उसमें जो ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं उसका। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, जैसे ये है इमल्शन, ठीक है, तो इमल्शन में जो कम में होंगे, ठीक है, जो एक्चुअली इंटरनल फेज में होंगे, ठीक है, वो होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, जो आपके कम क्वांटिटी में होंगे, ठीक है, और जो आपके पूरे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा आपका
कंटिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्स मीडियम या एक्सटर्नल फेज जो कि बाहर में होंगे, ठीक है। इज डिस्पर्स इन इमल्शन वन फेज इज डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्स फेज होता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड अनदर इज कंटिन्यूस फेज, दूसरा कंटिन्यूस फेज होता है। डिस्पर्स फेज को इंटरनल फेज भी बोलते हैं और कंटिन्यूस फेज को एक्सटर्नल फेज या डिस्पर्शन मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। दीज टू फेजेज आर मिक्सड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, मैंने जैसे बताया कि इन दोनों फेजेस को हम इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू मिक्स करते हैं, ठीक है। एंड मैकेनिकल एनर्जी नीडेड टू ज्वाइन दिस फेज, और जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स करते हैं तो हम उसमें स्टीयरिंग करते हैं, ठीक है, या फिर चाहे मोटर एंड पेस्टर से आप उसको स्टिर करें या इसको ब्रेक करें कोई ना, या फिर स्टीरर से करें, तो आप कोई ना कोई चीज़ में इसमें मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं जिसके थ्रू आप इसको मिक्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन इमल्शन का। आगे बढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। दो तरह के क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज, जैसे मैंने बताया डिस्पर्स्ड फेज जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है इमल्शन में वो डिस्पर्स्ड फेज हो गया। क्या उसके अकॉर्डिंग उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी लिक्विड ड्रॉपलेट्स की साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। फर्स्ट है ऑयल इन वाटर। अगर डिस्पर्स्ड फेज है तो जो चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ ऊपर में रहेगी या जो पहले लिखा रहेगा वो होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, और आपका ये होगा डिस्पर्शन मीडियम या कंटिन्यूस फेज, ठीक है। यानी इस टाइप के इमल्शन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो एक्सटर्नल फेज में होता है और ऑयल जो होता है वो इंटरनल फेज में होता है, ठीक है। इस केस में याद रखिएगा जो आपका ऑयल है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज में है, वाटर जो है वो आपका डिस्पर्शन मीडियम में। तो कैसा बनेगा इसका इमल्शन, तो इसमें क्या होता है जैसे कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में क्या है, आपका ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर जो है आपका डिस्पर्शन मीडियम है। तो सपोज ये आपका इमल्शन है, ठीक है, तो आपका जो ऑयल रहेंगे वो क्या होंगे, डिस्पर्स्ड फेज में होंगे, ठीक है, और जो आपका वाटर रहेगा जिसको मैं आपको मैं ब्लू कलर में बना देती हूँ, ठीक है, वो आपका एक्सटर्नल फेज में रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फेज बोलिए या फिर कंटिन्यूस फेज में, ठीक है, जो सब जगह रहेगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है, वो हो गया आपका वाटर जो आपके ब्लू कलर में मैंने बनाया है, ठीक है, वो आपका डिस्पर्शन मीडियम हो गया, और आपके ऑयल जो डिस्पर्स्ड फेज है वो आपका डिस्पर्स रहा, ये ऑयल इन वाटर टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है, इसका भी मैं आपको, वाटर इन ऑयल में कैसे होगा, वाटर इन ऑयल टाइप रहेगा तो कैसे होगा, इसमें भी जो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर जो है वो आपका होगा डिस्पर्स फेज में और आपकी जो ऑयल रहेगी वो कंटिन्यूस फेज में होगी, ठीक है। ठीक है, आपका वाटर ब्लू कलर में है और ऑयल आपका रेड कलर में है, ठीक है। तो आपका जो ये आपका वाटर है वो अभी डिस्पर्स फेज में है तो कम क्वांटिटी में है, और कंटिन्यूस फेज में आप देख सकते हैं इसमें ऑयल है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मल्टीपल इमल्शन, इसमें क्या होते हैं, ठीक, अब इस डायग्राम से आप समझिए, इसको मैं आपको अच्छे समझाती हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको क्या बोला, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ, वाटर में क्या हो रहा है, जो आपका वाटर है वो आपका कंटिन्यूस फेज में भी है, ठीक है, आपका जो ऑयल है, ठीक है, जो रेड कलर में मैं बना रही हूँ वो ऑयल है और ब्लू वाले वाटर है, वो आपका उसकी लेयर बनी है, और ऑयल और आपका वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में अंदर है उस लेयर के, ठीक है। तो ये इस टाइप के इमल्शन क्या हुए, मल्टीपल इमल्शन, और किस टाइप का मल्टीपल इमल्शन है ये, वाटर ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप में, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो ऑयल है वो कंटिन्यूस फेज में है, वाटर की लेयर है, ठीक, और आपके ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में है। तो ये हो गया आपका ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज करते हैं, इसमें क्या मैंने बोला, ये तीन तरीके के अकॉर्डिंग टू डिस्पर्स्ड फेज ये तीन तरीके से क्लासिफाई हुआ है, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन जिसमें क्या है, जो ऑयल है वो डिस्पर्स्ड फेज में है और जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज में है। नेक्स्ट है हमारा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो वाटर है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज में है और जो ऑयल है आपका वो कंटिन्यूस मीडियम में है, ठीक है।
ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मल्टीपल इमल्शन में दो टाइप्स के होते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ, वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप, एंड ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ होते हैं, वाटर जो होते हैं वो डिस्पर्स फेज में भी होंगे और कंटिन्यूस फेज में भी होंगे, और ऑयल की लेयर होगी। और ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप में क्या होगा, ऑयल जो होगा वो कंटिन्यूस फेज में भी होगा, डिस्पर्स फेज में भी होगा, और वाटर जो है उसकी लेयर रहेगी। ठीक है, तो ये था बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज, इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के साइज के अकॉर्डिंग भी इमल्शन को क्लासिफाई किया है, और उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। अगर उसकी रेंज 0. अगर ग्लोब्यूल साइज है 0.2 टू 50 माइक्रोमीटर तो वो होगा माइक्रो इमल्शन, अगर उसकी साइज है 0.01 टू 0.02 माइक्रोमीटर तो वो होगा माइक्रो इमल्शन, और अगर ग्लोब्यूल साइज 50 टू 100 माइक्रोमीटर है तो वो होगा नैनो इमल्शन। ये तीन तरीके से इमल्शन को उसके बेस्ड ऑन द लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है, अगर कोई अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर है तो उसको बाय इमल्सिफिकेशन हम उसे मास्क कर सकते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट यानी अच्छा टेस्ट नहीं है, अच्छी खुशबू नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, अच्छी स्मेल नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, उसको इमल्शन के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर कैन बी मास्क्ड बाय इमल्सिफिकेशन। देन नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट्स आर एनहेंस्ड बाय इमल्सिफिकेशन। अगर आप इमल्शन बना रहे हैं तो बहुत सारे ड्रग जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन हम बढ़ा सकते हैं, उसे हम एब्जॉर्ब जल्दी करा सकते हैं, उसको पेनिट्रेट, अगर किसी भी मेडिकामेंट्स का, कुछ मेडिकामेंट्स को अगर हम इमल्शन में कर देते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट होते हैं, तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। थर्ड है ओरल रेक्टल एंड ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स। नॉर्मली आप देखेंगे तो ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, पर अगर हम इमल्शन के फॉर्म में उसे दे रहे हैं तो हम ऑयल्स और ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं उसके भी एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं थ्रू ओरल रेक्टल एंड ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स और वैक्सीन्स टू प्रोवाइड स्लो रिलीज। ठीक है, आपको अगर स्लो रिलीज चाहिए, ठीक है, तो आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल ड्रग्स नहीं है या फिर जो वैक्सीन्स हैं उसका आप स्लो रिलीज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के थ्रू अगर आपने इमल्शन के फॉर्म में बना दिया है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रावेनस इमल्शन कंटेनिंग फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स एज अ न्यूट्रिशन। अब हम दे सकते हैं, नहीं तो ये सब हम पहले नहीं दे सकते थे, बट अब थ्रू इंट्रावेनस रूट भी अगर हमने इमल्शन फॉर्म में बना दिया है विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के, तो हम उसे एडमिनिस्टर करवा सकते हैं बॉडी में। ठीक, लास्ट है हमारा इमल्शन इज यूज टू इम्प्रूव द बायोअवेलेबिलिटी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में इमल्शन काम करता है। अगर वो नॉर्मल आप ले रहे हैं तो वो कम अगर उसकी बायोबिलिटी है तो उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है अगर वो इमल्शन के फॉर्म में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा लिपिड लेयर में, तो आपको एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा और ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बायोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।